डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो एजुकेटर्स में। आज का हमारा टॉपिक है स्केल्स इन फिशेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो नाउ। स्कल्प जो होते हैं वो मछलियों का एक्सटर्नल जो एक्सोस्केलेटन होता है उसको ये बनाते हैं। मछलियों के अलावा बर्ड्स और मैमल्स में भी इस प्रकार के जो है स्कल्प देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम फोकस करेंगे वो मछलियों के जो स्कल्प हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और मछलियों के जो स्कल्प हैं उनको हम दो भागों में काट सकते हैं। पहला होता है एपिडर्मल स्केल्स और दूसरा है डर्मल स्केल्स। एपिडर्मल स्केल्स की जो उत्पत्ति है, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि एपिडर्मिस की जो मेलबीजियन लेयर्स होती हैं उनसे इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। और ये जो स्केल्स हैं वो बर्ड्स और मैमल्स में हम देखने को मिलते हैं। डर्मल जो स्केल्स हैं वो मीजेनकाइम से विकसित होते हैं और यह फिशेस में या मछलियों में पाए जाते हैं। तो मछलियों के जो स्केल्स हैं वो डर्मल स्केल्स के नाम से हम जानते हैं। स्केल देखिए आकार में बहुत छोटे होते हैं और बहुत पतले होते हैं, और ये कांटे जैसी रचनाएं होती हैं, इनको हम कॉर्निफाइड स्केल्स भी कह सकते हैं। यह या तो अस्थि में या कैल्सिफाइड या कैल्शियम के बने होते हैं, और दूसरा यह कार्टिलेजिनस या उपास्थि में भी होते हैं। कुछ मछलियों की जो स्पेसीज हैं या कुछ मछलियों में जो है स्केल्स पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं, लेकिन काइमेरा एक विशेष प्रकार की मछली है, मैं हम देखें तो ये जो स्केल्स हैं वो पैचेज में पाए जाते हैं। ईल्स के जो स्केल्स होते हैं वो डर्मिस में एम्बेडेड रहते हैं या धसे हुए रहते हैं। हिप्पोकैम्पस में शल्कों के स्थान पर जो है बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं, जबकि कैटफिशेस और इलेक्ट्रिक रेज में जो स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स की बात करें तो जो स्केल्स हैं वो सामान्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला है कॉस्मॉइड स्केल, दूसरा लैपोइड स्केल, तीसरा है गैनोइड स्केल, चौथे हैं साइक्लोइड स्केल, और पांचवें जो प्रकार के जो सल्क हैं उनको हम कहते हैं टीनोइड स्केल। अब इन सभी स्केल्स को हम एक एक करके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्केल है स्केल्स हैं वो है कॉस्मॉइड स्केल्स। इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्म्स, प्लेकोडर्म्स एवं जो एक्सटिंक्ट जो फिशेस की कुछ स्पीसीज हो गई हैं जिनको हम सार्कोप्टेरिजाई के नाम से जानते हैं, उनमें जो है कॉस्मोइड स्केल जो है पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो सल्क होते हैं उनमें चार लेयर्स होती हैं। सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो गैनोइन की बनी होती है। बीच का जो स्तर है वो बहुत मोटा होता है जो कि डेंटाइन का बना होता है, इसे हम कॉस्मिन के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक स्तर स्पंजी अस्थि या स्पंजी बोन का बना होता है, और सबसे अंदर का जो स्तर है वो बहुत ही ठोस होता है जो कॉम्पैक्ट बोन के समान होता है, जिसे हम आइसोपीडीन के नाम से जानते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप कॉस्मोइड स्केल का फिगर देखेंगे। देखिए ये जो स्केल है ये कॉस्मोइड स्केल है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा स्केल है वो है प्लेकोइड स्केल। इस प्रकार के जो स्केल्स होते हैं वो इलास्मोब्रैंक्स जो फिशेस होती हैं उनमें पाए जाते हैं। स्कोलियोडोम और रेज में इस प्रकार के ही सल्क हमको देखने को मिलते हैं। इस सल्क के दो भाग होते हैं, पहला भाग जो है स्पाइन होता है, दूसरा भाग जो है रोमबॉइडल बेसल प्लेट होता है। देखिए इस फिगर में आप हम देख सकते हैं ये जो स्पाइन वाला पार्ट है और ये जो है रोमबॉइडल प्लेट वाला भाग है जो कि बेसल प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। स्पाइन की हम बात करें तो ये स्पाइन जो होते हैं वो पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं और इनकी संख्या जो है तीन होती है।
इसमें से दो जो स्पाइन्स हैं वो लेटरल स्पाइन्स कहलाते हैं, और एक जो है सेंट्रल स्पाइन होता है, इसको हम मीडियल स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो है तीन स्पाइन है, दोनों जो है दो लेटरल साइड पे होते हैं, जो कि पीछे की ओर झुके हुए रहते हैं, ऐसे झुके हुए रहेंगे पीछे, जबकि जो सेंट्रल स्पाइन है उसको हम जो है मीडियन या मीडियल स्पाइन के नाम से भी जानते हैं, और तीनों स्पाइन को हम ट्राइडेंट स्पाइन कॉमनली कहते हैं। ये इनमें एक पल्प कैविटी होती है, और ये जो पल्प कैविटी है स्पाइन की, वो जो है रोमबॉइडल प्लेट में खुलती है। ये रोमबॉइडल प्लेट है, इसको हम बेसल प्लेट के नाम से भी जानते हैं। इसी प्लेट में आकर जो है इन तीनों स्पाइन की जो पल्प कैविटी है वो ओपन होती है। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स, नर्व एंडिंग्स, लिम्फ चैनल, ओडोंटोब्लास्ट। ओडोंटोब्लास्ट एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि डेंटाइन जो है सिक्रीट करती हैं। सभी स्पाइन इनेमिल के द्वारा ढके रहते हैं। एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, इसको हम विट्रोडेंटाइन के नाम से भी जानते हैं, और ये जो स्पाइन हैं वो एक दूसरे के काफी जो है पास पास होते। इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो भी डर्मिस में जो है एम्बेडेड रहते हैं। अगला जो हमारा टाइप ऑफ स्केल्स है वो है गेनोइड स्केल, या इसको हम रोमबॉइड स्केल्स के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो डायमंड के आकार के होते हैं। देख सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में कि इस प्रकार के जो देखिए स्केल्स हैं वो डायमंड शेप्ड हैं। इस प्रकार के स्केल जो है कॉन्ड्रोस्टीन, इसके एग्जाम्पल हैं पॉलिप्टेरस और एसिपेंसर, एवं होलोस्टीन, जिसके एग्जाम्पल हैं लेपिडोस्टियस, मछलियों में यह पाए जाते हैं। इस प्रकार के स्केल जो है काफी मोटे एवं फर्श के टाइल्स की तरह दिखाई देते हैं। जैसे आप फ्लोर्स पर हम टाइल्स को बिछाते हैं, उसी प्रकार से इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो मछलियों के शरीर में लगे हुए रहते हैं, और जस्ट लाइक जो फ्लोर टाइल्स हैं वैसे हमको ये दिखाई देते हैं। ये शल्क जो है अन्य शल्कों की अपेक्षा भारी होते हैं। इनका जो हाई स्तर है या एक्सटर्नल जो लेयर है वो बहुत ही हार्ड अकार्बनिक पदार्थ की बनी होती है, जिसको हम इनेमिल के नाम से भी जानते हैं, और ये गैनोइन भी कहलाता है। मध्य स्तर जो है वो पॉस्मीन का बना होता है, तथा इस स्तर में अनेक जो है ब्रांच ट्रिब्यूल्स जो है स्थित होती हैं। सभी भीतरी स्तर, सबसे जो भीतर का जो स्तर है वो काफी अधिक मोटा होता है और लेमिलर अस्थि से बना होता है, जिसको हम आइसोपेडीन के नाम जानते हैं। देखिए ये जो फिगर है वो गैनोइड स्केल का है, या इसको हम रोमबॉइड स्केल भी कहते हैं, और इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो मछलियों को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं, जिससे इनके शत्रु और जो इनके जो परजीवी या इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इनसे रहते हैं। देखिए ये देख सकते हैं, ये जो है बहुत सारी इसमें आपको कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ भी दिखाई दे रही हैं, और ये कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ जो है वो मछलियों की एज को बताती हैं। तो मछली जितना ज्यादा की एज होगी उसमें उनके शल्कों में ये कंसेंट्रिक लाइन जो ग्रोथ लाइन हैं वो उतनी ज्यादा दिखाई देती हैं। ये पैग है, पैग की सहायता से एक दूसरे से जो है ये सटे हुए रहते हैं। ये अगला जो स्केल है वो साइक्लोइड स्केल है। इस प्रकार के जो शल्क होते हैं वो फोकस मछलियों में, जिनको हम लंग फिशेस कहते हैं, कीलोस्ट जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं, एवं कुछ विशेष प्रकार की जो होलोस्टीन होती हैं उनमें इस प्रकार के साइक्लोइड स्केल पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, गोल होते हैं, और इनका जो केंद्रीय सेंट्रल जो रीजन है इन स्केल का वो काफी अधिक मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर कोलेजन जो है काफी ज्यादा जमा हो जाता है, तथा इन जो स्केल के जो किनारे होते हैं वो काफी जो है थिन होते हैं। इन तलकों में भी हम कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइंस को देख सकते हैं, और ये जो लाइंस होती हैं वो मछलियों की उम्र को बताती हैं, मछलियों की एज को बताती हैं। यह शल्क एक दूसरे को डायगोनली जो है वो अतिव्याप्त करते हुए डर्मिस में सटे हुए रहते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। देखिए आप देख सकते हैं ये जो है साइक्लोइड स्केल का जो एग्जाम्पल है, फिगर है,
केसल एंड जो है स्मूथ है, जबकि जो इनका जो प्रॉक्सिमल एंड है उस पर देखिए वेवी लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब कंसेंट्रिक लाइंस ऑफ ग्रोथ हैं, जैसे जैसे मछलियों की एज बढ़ती जाती है उनमें ये उनके सलकों में इस प्रकार की जो कंसेंट्रिक लाइंस हैं, ग्रोथ लाइंस हैं, वो बढ़ती जाती हैं। इनोइड स्केल्स, इस प्रकार के जो स्केल्स हैं वो सामान्यतः जो बोनी फिशेस होती हैं, मॉडर्न बोनी फिशेस हैं, उनमें इस प्रकार के टीनोइड स्केल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो स्केल्स होते हैं वो केंद्र में बहुत जो है थिक होते हैं, जबकि इनके जो किनारे हैं वो अपेक्षाकृत जो है काफ़ी पतले होते हैं। इन सलकों में भी आपको कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन्स देखने को मिल जाएंगी, परंतु इन सलकों के मुक्त पश्च भाग में, देखिए ये जो पोस्टीरियर पार्ट है यहाँ पर आपको कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये स्पाइंस जैसी या कांटे जैसी रचनाएं होती हैं जिनको हम टीनी के नाम से भी जानते हैं। यह टीनोइड स्केल का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है। टाइप्स ऑफ स्केल्स के बाद फिश के लिए इन स्केल्स की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो स्केल्स हैं उनका क्लासिफिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मछलियों की जो विभिन्न प्रजातियां हैं उनमें जो सलकों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है, और सलकों की संख्या के आधार पर मछलियों के हम फैमिली, उनके जेनरा और उनकी स्पीसीज का पता आसानी से लगा सकते हैं। जो स्केल्स है वो एक सुरक्षात्मक आवरण भी प्रदान करती है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह कार्य करती है। सल्क जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे मछलियों को एक सुरक्षात्मक आवरण मिलता है। सल्क मछलियों को परजीवियों एवं परवच्चियों से भी सुरक्षित रखती हैं। तीसरा है कुछ मछलियों में जैसे एनाबस में यह जो स्केल्स हैं वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं। रिंग की पहचान में कुछ परिपक्व नर मछलियों पंटियस में प्रजनन के दौरान सलकों का जो है रंग जो है अलग अलग प्रकार का जाता है। मछलियों के जीवन काल ज्ञात करने में मछलियों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ सलकों की संख्या भी बढ़ती रहती है, और सलकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ सलकों पर उपस्थित जो कंसेंट्रिक लाइन ऑफ ग्रोथ है उनकी भी संख्या जो है बढ़ती रहती है। तो आपने आज टाइप्स ऑफ स्केल्स और उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आपने जाना। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।